ये कहानी एक ऐसी नन की जिसे अपने स्टूडेंट से हो जाता है प्यार, जिसके लिए नन किस किस हद तक जा पहुंचती है। कहानी की शुरुआत में हम जेसन नाम के लड़के को गिटार के साथ एक प्यारा सा गाना गाते हुए देखते हैं और दूसरी तरफ एक नन को तैयार होते हुए। फिर जेसन और जेसन की बहन जोई बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई करने आए होते हैं। जेसन के डैड जेसन का गिटार देखकर चिढ़ जाते हैं, इसे यहाँ क्यों लाए। जेसन के डैड को जेसन का गाना गाना पसंद नहीं था। फिर उनके पास सिस्टर रेबेका आती है और वहीं ऊपर हम एक और सिस्टर सोफिया को देखते हैं, जिनका भी जेसन की तरह आज पहला दिन था। सिस्टर रेबेका सोफिया से उनके पिछले स्कूल के बारे में पूछती है। सोफिया बताती है वहाँ बहुत ठंड थी। रेबेका कहती है यहाँ कोई मेकअप नहीं चलता और सोफिया को टिश्यू देती है, जिससे वो अपने होठों से रसीले लिप बाम को हटाती है और बाहर जाकर उसे सभी गर्ल्स बॉयज और उसका क्लासरूम दिखाती है कि तभी उनके सामने जेसन आ जाता है। सोफिया जेसन को देखकर काफी अट्रैक्ट महसूस करती है। रेबेका उन दोनों को आपस में इंट्रोड्यूस कराती है और बताती है जेसन काफी अच्छा म्यूजिशियन है, इसलिए वो यहाँ एक सेलिब्रिटी की तरह है। जेसन उनसे ज्यादा बात ना करते हुए वहां से चला जाता है, जिसको सोफिया मुड़ कर देखती है और सिस्टर रेबेका सोफिया को उसके रूम पर छोड़कर चली जाती है, जहां हम देखते हैं सोफिया ने तो अपने बाल कलर कराए हैं और वो जेसन की वही म्यूजिक वाली वीडियो देख रही है और अपनी स्क्रीन पर ही किस कर देती है। और फिर कुछ देर बाद जेसन को गिटार बजाते देखती है और जेसन के पास जाकर उसकी काफी तारीफ करती है और उसका गिटार बजाकर जाने लगती है। ये कहते कहते क्लास में मिलते हैं और फिर अगले दिन सभी स्टूडेंट्स क्लास में पहुंचते हैं, जहां जेसन के पीछे बैठी लड़की सारा जेसन से बात करने लगती है। और फिर सिस्टर सोफिया क्लास में आती है और जेसन और सारा को आपस में बात करते देख गुस्सा हो जाती है। सोफिया सारा को आगे बिठा देती है। सोफिया सीधे ही पढ़ाना शुरू करने लगती है, पर जेसन की बहन जोई बताती है मैम पहले हमें मॉर्निंग प्रेयर करनी चाहिए, और सभी प्रेयर करते हैं, पर सोफिया प्रेयर नहीं बोल रही थी। ये बात जोई जेसन को भी बताती है, पर जेसन को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सोफिया जेसन को रोककर पूछती है क्या सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, पर जेसन मना करता है। अगले दिन हम सारा और जेसन को देखते हैं जो एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं कि तभी सोफिया उन्हें रोक देती है। सारा सोफिया से कहती है शायद तू मेरे डैड को नहीं जानती, वो इस स्कूल के सबसे बड़े डोनर है। सोफिया कहती है भाड़ में जाए तू और तेरा बाप, अगली बार उसके साथ दिखी तो तेरे बाप की किडनी डोनेट कर दूंगी। सोफिया को सारा को देखकर काफी गुस्सा आ रहा था। फिर जैसे ही उनकी क्लास खत्म होती है सोफिया जेसन को रोककर कहती है तुमने तो कहा था तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मुझे मेरे रूम में आकर मिलो। सोफिया अपने रूम में मुस्कुराते हुए जाती है और अपने कपड़े उतारना शुरू करती है। जेसन भी धीरे धीरे उसके रूम की ओर बढ़ रहा था। वो दरवाजे को आधा खुला छोड़ देती है और तेल की मालिश करने लगती है। जेसन जब ये देखता है तो वो उसकी नजरें घायल हो जाती है। वो देखता ही जाता है और वहां से भाग जाता है और रात भर सोफिया के बारे में ही सोचता रहता है। उसको नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन सोफिया जेसन को कहती है तुम क्यों नहीं आए। जेसन बहाना मारता है मैं भूल गया था। जेसन का पहला वीक खत्म हो गया था तो वो घर जा रहा था। सोफिया भी अपनी आंटी के बीमार होने का बहाना मारकर छुट्टी ले लेती है और जेसन के घर के बाहर पहुंचकर अंदर आ जाती है और चुपके चुपके से जेसन को गाना गाते हुए सुनती है, जहां पर फिर से जेसन को सारा का कॉल आता है। और इस बार तो सोफिया इतना गुस्सा हो जाती है कि सीधा सारा के रूम में जाकर चुपके से उसकी बुक के अंदर ड्रग रख देती है। अगले दिन सोफिया उन्हें बुक ओपन करने को कहती है और सारा की बुक से ड्रग निकलता है। सोफिया सारा को पकड़कर ऑफिस रूम में ले जाती है। यहां ड्रग्स लाने की सजा थी सस्पेंड, मगर सोफिया कहती है हमें पूरे स्कूल की तलाशी लेनी चाहिए। और वो वॉइस के रूम में चेकिंग करते हैं, जहां जेसन के बेड के नीचे उन्हें दारू की बोतल मिलती है। जेसन बताता है ये मेरी नहीं है और अपने दोस्त पर शक करता है, लेकिन वो दारू की बोतल सोफिया ने उसके बेड के नीचे रखी थी। जेसन कहता है अगर मेरे डैड को पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। तभी सोफिया कहती है हमें जेसन को दूसरा मौका देना होगा, अल्कोहल एक घातक ड्रग नहीं है। और ऐसे ही फालतू ज्ञान पेल कर वो जेसन को बचा लेती है। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहां सोफिया बैठकर फेसबुक पर जेसन का गाना सुन रही थी और यहीं से उसे पता चला जेसन मोंटाना नन स्कूल में पढ़ने जा रहा है। और वो वहां जा रही असली सिस्टर सोफिया के पास गई और उसे मारकर दफना दिया और यहां उसकी जगह ले ली। जेसन को गार्डन साफ करने की सजा मिली थी, जहां सोफिया भी आ जाती है और गर्मी का बहाना करके अपने शर्ट के बटन खोलने लगती है, जिसे देखकर जेसन के मुंह में पानी आ जाता है। और फिर रात में जेसन के रूम में जाकर बगल में कैमरा ऑन करके छुपा देती है। जेसन भी उसे देखकर उड़ जाता है और सोफिया उसे मनाने की कोशिश करती है अपने कपड़े खोलकर। पहले तो जेसन मना करता है ये गलत है, पर सोफिया उसे कैसे ना कैसे करके मना लेती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं, जिसकी वीडियो भी बन रही थी। अगली सुबह जेसन सदमे में था, कल रात ये क्या हो गया। उसकी बहन उसे नाश्ते के लिए बुलाती है, जाते जाते उसे सोफिया मिल जाती है। जेसन कहता है ये मैंने गलत किया, तुम मेरी टीचर हो एक नन हो। पर सोफिया बोलती है हमने कुछ गलत नहीं किया और जेसन के रूम में जाकर उसके बिग बॉस के कच्चे को सूंघने लगती है। लेकिन तभी वहां जोई आ जाती है और सोफिया उसे वार्निंग देकर भगा देती है, तुम्हारा बॉयज रूम में आना अलाउड नहीं है। जोई जाकर जेसन को बताती है सिस्टर सोफिया तुम्हारे रूम में थी, ये क्या चल रहा है। जेसन कहता है कुछ नहीं ऐसी आई होंगी। ऊपर से सोफिया जोई को गुस्से से देख रही थी और अगली क्लास में जोई को रोककर बताती है
तुम्हारे काफी कम मार्क्स हैं। जोई कहती है, मैंने तो बहुत मेहनत की थी, और चली जाती है। पर तभी सोफिया उसके टेस्ट के ऊपर आंसर की रखकर चली जाती है, और जोई के क्लास में पहुंचते ही वो उसे आंसर की के साथ पकड़ लेती है और सिस्टर रेबेका के पास ले जाती है, जहां जोई बताती है, मैंने कुछ नहीं किया, वो वहां अपने आप रखे थे। और सोफिया मैम काफी अजीब है, वो मॉर्निंग प्रेयर नहीं करती, जिसको सुनकर रेबेका हैरान हो जाती है। फिर हम जेसन को देखते हैं, जो चर्च में अपनी गलती को मानने गया था, पर तभी अंदर सोफिया आ जाती है और वो दोनों वहीं अंदर गलत काम कर बैठते हैं। फिर हम सिस्टर रेबेका को देखते हैं, जिन्होंने सोफिया के फादर को यहाँ बुलाया था, जिन्हें सोफिया देख लेती है और फिर से अपनी आंट के बीमार होने का बहाना मारकर चली जाती है। फिर दूसरे हफ्ते में जेसन घर आता है, जहाँ डिनर में उसके फादर कहते हैं, गाना गाना छोड़ दो, कुछ अच्छा करो, जिसको सुनकर जेसन को गुस्सा आ जाता है और वो बाहर सारा की पार्टी में चला जाता है, जहाँ जाकर वो जमकर ड्रिंकिंग करता है और सारा उसे बेड तक ले जाकर सीड्यूस करने लगती है। पर जेसन को सोफे की याद आती है और वो वहां से चला जाता है। कुछ दूर जाकर एक पुलिस वाला उसे ड्रिंक के साथ पकड़ लेता है, पर तभी सोफिया आकर पुलिस वाले को भी फालतू का ज्ञान देकर जेसन को बचाकर अपने घर ले जाती है। इधर जेसन की मॉम जेसन के डैड को कहती है, आपको उसे ज्यादा नहीं डांटना चाहिए था, और जेसन के डैड को भी बुरा लगता है और वो जेसन को ढूंढने निकल पड़ते। इधर सोफिया जेसन को अपने फ्लैट पर लाई थी और उसके सामने फिर से कपड़े उतारती है। जेसन कहता भी है, हम गलत कर रहे हैं। सोफिया बोलती है, मेरे पास अंधा पैसा है, जो भी तुम्हें चाहिए मैं दे दूंगी, हम पेरिस चले जाएंगे। लेकिन जेसन गुस्सा होकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद सोफिया का बुरी तरह दिमाग खराब हो जाता है। जेसन अकेले बैठा था और उसके डैड उसे ढूंढ लेते हैं और उससे माफी मांगते हैं, मैं गलत था, मुझे तुम्हें बंधन में नहीं रखना चाहिए, तुम जो चाहो वो करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और दोनों गले लगकर घर पहुंच जाते हैं। अगले दिन हम जेसन और जोई को स्कूल जाते देखते हैं, जहां जोई सोफिया की कार को देख लेती है। और फिर जेसन जैसे ही अपने रूम में जाता है तो देखता है वहां सोफिया बेहोश पड़ी थी, पर वो नाटक कर रही थी। जेसन डरकर कहता है, मैं फादर से रिपोर्ट करने जा रहा हूं। सोफिया बोलती है, जाओ बता दो तुम एक नन के साथ सोए हो। जेसन काफी परेशान हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं सारा वापस आ गई है। सोफिया फिर से जेसन को रुकाती है और उसे समझाती है उससे दूर रहना, पर सारा तो जेसन पर चिपक रही थी। फिर जब सारा नहा रही होती है तो सोफिया जाकर उसके सर को दीवार पर पटक पटक कर उसे मार देती है। और कुछ देर बाद वहां आकर जोई डरकर चिल्लाती है, सारा, और सभी वहां पहुंचते हैं और सबको लगता है सारा सोप से फिसलकर मारी गई। जेसन कहता है, सोफिया तुमने तो ये नहीं किया। सोफिया कहती है, हाँ, और उसे वही वीडियो भी दिखाती है, जिससे जेसन और भी परेशानी में पड़ जाता है। फिर हम देखते हैं रेबेका सोफिया के आंट के हॉस्पिटल में कॉल करती है, जहां उसे पता चलता है सोफिया उससे अब तक झूठ बोल रही थी। इधर जेसन जोई को सब कुछ बता देता है, ये तक कि वो उसके साथ सोया और उसके पास वीडियो भी है। जोई भी कहती है, वैसे भी वो मुझे कहीं से नन नहीं लगती, हमें उसे पकड़ना होगा। जेसन बताता है उसके रूम में एक लैपटॉप है, क्या पता उससे कुछ मिल जाए। फिर जैसे ही सिस्टर रेबेका सोफिया को ऑफिस में ले जाती है, वैसे ही जोई और जेसन सोफिया के रूम में घुस जाते हैं। इधर सिस्टर रेबेका पूछती है, तुम झूठ क्यों बोल रही हो, तुम्हारी तो कोई आंटी ही नहीं है, तुम इतने झूठ क्यों बोल रही हो। जेसन और जोई को वहां असली सिस्टर सोफिया की फोटोज मिलती है और एक और लैपटॉप जिसमें सिर्फ जेसन की ही फोटोज पड़ी थी। यहां सोफिया सिस्टर रेबेका के सर पर लैंप दे मारती है। जोई और जेसन को भी पता चल गया था, इसका नाम लॉरा पैटरसन है, ये कोई नन नहीं है। वो लैपटॉप लेकर सिस्टर रेबेका के रूम में जाते हैं, जहां सोफिया छुपी थी, और वो रेबेका को ढूंढते ढूंढते चर्च में आ जाते हैं, जहां पीछे से सोफिया एक छड़ी उठाकर उनके पास आ जाती है। जेसन उसे उसका लैपटॉप दिखाता है, तुम लॉरा हो ना, जिसको देखकर सोफिया बताती है, तुमने मुझे यहां लाया, जेसन मेरे लिए गाने गाकर। जेसन कहता है, मैंने तुम्हारे लिए गाने नहीं गाए, और जाने लगते हैं। पर सोफिया जोई के पीछे वार कर देती है और जेसन के अखरोटों पर लात मार देती है, और जोई को मारने ही वाली थी कि तभी एक औरत आकर उसे बचा लेती है, पर सोफिया उस औरत को भी मारने लगती है। पर जेसन अपनी जेब से स्क्रू ड्राइवर निकालकर सोफिया की पीठ पर दे मारता है और जाकर जोई के गले लग जाता है। यहां सिस्टर सोफिया मारी जाती है और आखिर में सिस्टर रेबेका भी ठीक थी। और जेसन के डैड जेसन को एक गिटार गिफ्ट कर देते हैं और जेसन एक प्यारा सा गाना गाता है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।